तो देखिए दोस्तों बारिश कितनी हो रही है। तो वैसे तो हमें ऑनिंग का बड़ा फायदा मिल गया यार, इसको डबल कर लिया हमने तिरपाल लगाकर, लेकिन पानी फिर भी ऊपर जमा हो जाता है ना। ये देखिए कितना पानी गिरा, ओह माय गॉड कितना पानी गिर रहा है, देखो लीजिए दोस्तों। ये है मेरे बिल्कुल सामने का सीन, ये भी वाइल्ड एंगल में है। देखिए इधर से बादल आ रहे हैं और ये बादल जो आप देख रहे हैं ना, ये धीरे 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 करके ऊपर आ रहे हैं और ये यहीं पर टुकड़ी टिकी हुई है अलग साई, ये भी जा रहा है देखो धीरे धीरे, हाँ। बहुत धीरे ऊपर जा रहा है। और मैं आपको पहले एक पूरा वाइल्ड एंगल का व्यू दे देता हूँ। ये इधर चला गया हमला हमता पास का जो ट्रैक है वो इस तरफ है, एक डैम भी और आगे, एक डैम इधर है, ये वाला एक डैम और आगे है। तो ये हो गया जी हमारा इधर का व्यू, और पीछे का तो आपने पहले देख लिया जी। अब आते हैं आपको दिखाते हैं कितने वाटरफॉल हैं। एक तो आप देख रहे हो ये सामने, ठीक है जी, ये वाटरफॉल चल रहा है। अब जस्ट इसके मेरे ख्याल से मैं अगर डायमीटर नापूं वहाँ का 100 मीटर होगा कि नहीं कि 50, क्योंकि हम दूर बैठे हैं ना इसलिए हमें नज़दीक लग रहा है। एक जे जो बादल की टुकड़ी है ना जे, इसके बीच में बिल्कुल ये देखिए जे मेरी उंगली के ऊपर वो है एक वाटरफॉल। ये हो गया, दो हो गए ना हमारे बिल्कुल सामने। अब चलते हैं आगे, हाँ कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर हो गया वाटरफॉल। एक वो देखिए ये गिर रहा है, कहाँ चला गया, ये मेरी उंगली के ऊपर, ये देखिए ये गिर रहा है। 3 हो गए और ऐसे तो आगे और भी है, लेकिन मेरे कैमरे का जूम दोस्तों इतना हाई क्वालिटी का नहीं है, नहीं तो मैं और आगे लेके जाता आपको। 3 तो यहीं दिखा दिए, एक ये मेन वाले सेंटर वाले के पास, ये देखिए यहाँ बादल है मेरी उंगली के पास, कोशिश करता हूँ क्योंकि धुंध बादल हो गया है। ये देखिए 4 हो गए और इधर देखो कितनी तेज़ बादल आ गए हैं। अभी पूरा देखते देखते हमारे ये पूरा पर्वत गायब हो जाएगा यहाँ से एकदम, पूरा ये वाइट ही वाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, देखते ही देखते हो जाएगा। ये हमारा चीका और भाई देखिए भाई, इसको आज बरसात के मौसम में पकौड़ियाँ बनने लगी हैं। नहीं भाई इसको यहाँ, यही फायदा है ग्रुप में कैंपिंग करने का भाई, सवेरे चीले बेसन के आप पकौड़े पहचाना कि ग्रुप क्या होता ये है। ये चीका भी हमारे साथ अब ग्रुप मेंबर बन गया है हमारा। ये तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पापड़ फ्राई किए जा रहे हैं और साथ में बन रहे आलू प्याज की भजिया। हाँ। पापड़ तो सिर्फ हमारे एक मेंबर की, आज सुबह से मौली जी तमन्ना हो रही है खाने की, सेवा में लगी हुई है सबके, तो तमन्ना क्यों मारी जाए, भगवान इनकी हर इच्छा पूरी करे। गैस कम करी हुई है क्या, पता नहीं। पकौड़े बना सकते हो आप कैंपिंग में, और एक एक पीस डालना है और वो 200 रुपये प्लेट के नाम के लिए गए ना। तो लीजिए दोस्तों हमारी प्लेटिंग हो गई है, पकौड़े लग गए हैं, सॉस चटनी, वाह कमाल की बात है। और इधर अभी हमारे शेफ साहब लगे हुए हैं
दे पकोड़े पे पकोड़ा, दे पकोड़े पे पकोड़ा। और खूबसूरत मौसम, मौसम पल पल बदल रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी छाए हो जाती बादल की। और सत्या जी अपना फिर से नया एक्सपेरिमेंट कर लिया इन्होंने, चीज लगाकर चीज पकौड़ा ब्रेड, चीज ब्रेड पकौड़ा, चीज ब्रेड पकौड़ा, ठीक है ना। आलू नहीं हो पाई यार, देखो। तो भाई चलिए पकौड़े खाते हैं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हैं। दोस्तों देखिए क्या सुंदर नज़ारा बन गया है सामने का, देखिए ये बादल कैसे आ रहे, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। ऐसा नज़ारा रिस्क लेकर ही देखा जाता है भाई, क्योंकि रिस्क भी है यहाँ पर, बादल फटने का बहुत डर है। बार बार हमने बोलकर उनको स्पीकर बंद करवाया है डैम वालों को, नहीं तो वो कंटिन्यू चल रहा था। दोस्तों सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से फिर शाम हो गई और अब रात हो गई है। तो हमने अपनी भाई रेड बुल अपनी लाली के ऊपर लाइटें लगा दी हैं और सभी बैठे हैं। अब यार आज कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि पकौड़े खा लिए थे, आज काफ़ी हैवी मील रहा हमारा, तो मौसम इतना अच्छा है यार बस पूछो मत। कल फिर मैं घर चला जाऊंगा, वहाँ इतनी गर्मी होगी, ओए होए, ये मुझे याद आएगा ये समय। चलो यार घर भी वापस जाना ही पड़ेगा। तो देखिए भाई लाइटिंग हो चुकी है हमारी, तो 10-12 दिन बड़े अच्छे गुजर गए इधर घूमते घूमते, सच पास हो गया जो मेरा एक सपना था कि मैं सच पास करूँगा वो मैंने कर लिया है। अभी एक बार और करूँगा, वो स्नो में करूँगा जब स्नोफॉल हुआ होगा, अक्टूबर या नवम्बर में करेंगे। तो चलिए एक बार दूसरी तरफ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों ये लाइटिंग इधर हो गई है, लाइटिंग के बिना ना कैंपिंग कैंपिंग नहीं लगती, जब तक हम लोग लाइटिंग नहीं करते ना ऐसे क्या एक माहौल सा बन जाता है इस लाइटिंग से। ये जो लाइटिंग है ना भाई ये मेरे ख्याल से 550-600 रुपए की है अमेजोन पे, मैं इसका लिंक डाल दूंगा। काफ़ी लोगों ने पूछा यहाँ गाड़ी हमारी खड़ी रख कर, कल भी लाइटिंग देखकर वहाँ पर काफ़ी लोग कैंपिंग कर रहे थे, ये लाइटिंग देखकर आए पूछने बंदे। इसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं, 500-600 की, बहुत बेस्ट है और वाटरप्रूफ है, बारिश हो कुछ भी हो बत्ती बड़ी लाइट भी बहुत कम। मेरा 20,000 mAh का पावर बैंक है, आज तीसरा दिन है इस लाइटिंग का, वो मैंने चार्ज भी नहीं किया, वैसे ही चल रही है क्योंकि कम से कम 3-4 घंटे तो चलती 4-5 घंटे तो डेली 3 दिन से, बड़ी मस्त लग रही है और कलरफुल है, रिमोट वाली है साथ में, आप रिमोट से इसके फंक्शन भी चेंज कर सकते हो लाइटिंग के, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो चलिए भाई महफिल में हम भी बैठते हैं ज़रा। तो ये देखिए दोस्तों ये सामने डैम का नज़ारा है, डैम के ऊपर लाइटें लगी हुई है और फॉग ही फॉग हो गया पूरी। और यार जहाँ ना थोड़ा भालू का खतरा है क्योंकि ऊपर जंगल है और भालू जहाँ घूमते हैं, दो गाय भालू ने मार दी, अब पता नहीं वो भालू ने अटैक किया, गांव वालों से बोले कि भालू ने किया है, लेकिन बाघ भी हो सकता है क्योंकि जो काम मुझे बाघ का लगा वो जिस तरह से वो मारी हुई थी गाय। तो चलो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, जंगल में रुक के कैंपिंग करने का अलग ही मजा है।
और भाई आज देर रात तक बैठे रहे, बातें बातें करते रहे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ी कॉफ़ी बना लेते हैं। अब मैंने अपना वही पुराना स्टाइल यूज़ कर लिया, कप रख के कॉफ़ी बना ली अपनी, तो कॉफ़ी पीते हैं और फिर सोने जाएंगे अंदर यार। तो क्या आज हमारा लास्ट डे दिन है इस कैंपिंग का, और फिर कल घर चले जाएंगे। उसके बाद फिर ना जाने महीना दो महीने कब कैंपिंग का प्रोग्राम बनेगा। तो चलिए कॉफ़ी इंजॉय करते हैं थोड़ा टाइम। सत्ता ही ज़्यादा आगे मत जाओ। नहीं नहीं भाई देख पता लगा सही में। हाँ वो देख, वो यहाँ टकाओ, दूसरी तरफ वो देखो ब्लैक सा। हाँ ये ना यही। हाँ यही पत्थर है। अरे दोस्तों देखिए भाई गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी यार। जहाँ पर ना हम लोग बैठे थे कि वो सामने बाघ आ गया, वो गुर्रा भी रहा था और वहीं पे खड़ा है वो, शायद पर देख रहा है कैमरे में पता नहीं क्योंकि दूर बहुत है। सत्ता जी थोड़ी टॉर्च मारो वहाँ पर, कुछ नहीं दिख। अरे यार सामने से लाइट ही पड़ रही है ना, दिख नहीं रहा कुछ। यही कह रहे हो ना, यही ना। हाँ ये तो हाँ वो देख इधर दिख रहा है, आंखें हैं इसकी। अरे साला अंधेरा ही बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार भाई, धुंध की वजह से नहीं दिख रहा। अरे भाई जल्दी जल्दी पैकअप करो, गाड़ी के अंदर बढ़ जाओ। तो अब मैं अपने बिस्तर पे आ गया हूँ बेड में गाड़ी के अंदर। तो चलिए भाई सोते हैं क्योंकि टाइम हो गया 11 से भी, सुबह 11 ही हो चुके हैं। तो जल्दी अपना स्लीपिंग बैग खोलते हैं और सोते हैं, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं सुबह मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो चलिए सोते हैं भाई। और जहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी रात को कुछ, क्योंकि जंगल सामने नज़दीक, हमें अपने सॉरी डैम वालों ने ही बोला था कि भाई थोड़ा केयरफुली होकर रहना जहाँ जानवर आते हैं। कुछ आया था लेकिन पता नहीं भालू था या लेपर्ड वगैरह होगा कुछ, लेकिन दूर था, दूर से ही उसके गुर्राने की आवाज़ से सुनी, लाइटें मारी वो भाग गया, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हम लोग चार गाड़ियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अभी सोते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जो मेरे नए दोस्त आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए TSK ट्रैवल वर्ल्ड के साथ। सो ओके भाई गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट जी। गुड नाइट तलवीर जी। गुड नाइट।